एंड वी आर गोइंग बैक. आयुष के 3 days बहुत पैक्ड थे, सो ही कुडंट लाइक गो आउट और सी एनी थिंग. शाम को खाली ऑफिस पार्टीज के साथ लाइक वेर एवर ही कुड एक्सप्लोर अ लिटिल बिट उतना ही हो पाया. बट आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम. एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि मैं यहाँ पे आके क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी. बट आई थिंक वन थिंग दैट रियली वर्कड इन आवर फेवर इज दैट द सिटी सेंटर इज रियली क्लोज टू वेयर वी आर स्टेइंग. सो आप फटाफट बाहर निकलो एंड यू नो देयर इज दिस ह्यूज स्ट्रीट एंड वहाँ पे शॉपिंग है, काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आसपास काफ़ी चहल पहल है. तो आई थिंक उस वजह से भी मुझे बिल्कुल ऐसे फील नहीं हुआ कि यू नो मैं अकेले क्या करूँगी या क्या कैसे टाइम पास होगा. बताऊँगी आपको यहाँ पे पानी का कितना इशू है. यूरोप एंड यूके में पानी काफ़ी एक्सपेंसिव है. लाइक आपको बियर सस्ती मिल जाएगी बट पानी यहाँ पे महंगा मिलता है. नॉर्मली लोग टैप वाटर ही पीते हैं, बट इफ़ यू लाइक गो टू अ होटल या ऐसे कोई जगह पे या बाहर कहीं घूम रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर आपको खरीदना पड़ेगा. दैट इज़ एक्सपेंसिव. सो अभी हमें जब हमने होटल में चेक इन किया था, वी हैड लाइक 2 bottles लाइक दिस स्मॉल विच इज़ लाइक 330 ml ओनली. ऐसी 2 bottles हमारे रेफ्रिजरेटर में थी. आई मीन लाइक कैसे काम चलने वाला, क्योंकि इतना तो हम एक बार मतलब आधे दिन भी ख़त्म कर दूँ मैं. सो द नेक्स्ट डे ऑब्वियसली अपने पास एक दो और बॉटल्स थी, तो आई गेव इट टू आयुष एंड उनका ऑफिस यहीं पर है तो वो एक भर कर ले आए थे. व्हेन वी आस्क्ड फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स, उन्होंने बोला ठीक है वॉशरूम का भर लो. लाइक सेम टॉप वाटर आ रहा होता है हर तरफ, बट समहाउ मन नहीं किया वो करने का. तो कल ऐसे ही व्हेन आई वाज डाउन, मैंने ऐसे ही उसको पूछा कि यू नो वी आर स्टेइंग हियर फॉर 2 days, डोंट यू लाइक रिप्लेनिश वाटर एवरी डे. एंड दे वर लाइक या वी डू. सो आई सेड कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बॉटल्स, एंड देन दे गिव मी लाइक 4 bottles. सो एक चीज़ मैंने यहाँ पे रियलाइज करी है कि जब तक आप कोई चीज़ मांगोगे नहीं यहाँ पे मिलती नहीं. लाइक दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड टेल यू कि ओके यू नो आपके आपको बॉटल्स चाहिए और या मैं दे दूँ या कहीं लिखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पे भी. एंड बहुत बार कैसे होता है कि हम सोचते हैं कि यार शायद चार्जेबल ही होगा, इससे हम बोलते ही नहीं है. पर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड चेक विद देम कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री है क्या नहीं है, और अगर है तो दो, बिकॉज अगर आप नहीं मांगोगे तो वो नहीं देंगे. उस टाइम पर एट दैट मोमेंट ही डिडंट हैव इट एट द रिसेप्शन, तो उसने बोला कि मैं यू नो बाबा भिजवाता हूँ ऊपर. फाइनली ही डिड सेंड 4 bottles विच इज़ रियली ग्रेट. ऐसे ही यू नो व्हेन वी केम हियर लाइक देयर वाज नो लाइक टूथब्रशेज या पेस्ट, और हम हमेशा कैरी करते हैं हमारे साथ. बट दिस टाइम पीपल लाइक कि ठीक है होटल है मिल ही जाएगा तो क्यों कैरी करना है, तो वी डिड नॉट कैरी इट. तो यहाँ पे आके आई वाज लाइक माय हस्बैंड टोल्ड मी कि एक काम करेंगे बाहर जाएंगे टेस्को वगैरह से तो लेते आना आप, और क्या कर सकते हैं. एंड आई एम लाइक लेट मी जस्ट कॉल एंड आस्क देम वंस, एंड दे सेड यस वी डू प्रोवाइड. आई सेड अच्छा ठीक है फिर बाथरूम स्लिपर्स भी दे दो. दैट आल्सो देन दे गिव. एंड लाइक लिटिल थिंग्स लाइक व्हेन यू गो टू मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जाम्पल, अभी यू नॉर्मली गेट केचअप, आप वो जो आपको दे रहे होते स्ट्रॉबेरी दे रहे होते एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ चाहिए यू वॉन्ट एक्स्ट्रा केचअप या आपको कुछ और एडिशनल चाहिए होता है तो आपको बोलना पड़ता है. यहाँ वो कुछ नहीं देते आपको, लाइक बेयर मिनिमम आपने एक बर्गर लिया एक फ्राइज लिया बस उतना ही मिलता है. कई बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि नीचे सीटिंग नहीं होती ऊपर होती है या ऊपर हमें जगह मिली है एंड दे जस्ट गिव और उस टाइम पे क्लिक नहीं किया वी केम अप एंड देन वी टू गो डाउन एंड यू नो कलेक्टेड. एंड ऐसे कुछ हुआ, कलेक्शन मैंने मैकडोनल्ड्स पैक करवाया था एंड इवन आई फॉरगॉट टू आस्क फॉर अ केचअप. लकीली आई हैड फ्यू इन माई बैग. सो यू नो थिंग्स लाइक दीज, मतलब आपको बोलना पड़ता है. इट्स टाइम फॉर अस टू लीव, दिस इज द चेकआउट टाइम. इसके बाद अभी हम बाहर थोड़ा सा घूमने वाले हैं. व्हेन आयुष कम्स बैक वी आर गोइंग टू गो टू अ फ्रेंड्स प्लेस एंड उसके बाद रात की फ्लाइट से बैक टू लंदन एंड वी आर रेडी टू चेक आउट. बारिश बहुत होती है तो मैं ये सोच रही थी कि कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पर, 3rd day है आज, लेकिन बारिश तो हुई नहीं. बट नाउ आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन. बिल्कुल ऐसा ही मौसम बन रहा है. तो यहाँ पे जो मॉल है आई थिंक मैं उधर ही चली जाने वाली हूँ. दैट इज़ अ सेफ ऑप्शन.
होटल्स के बाहर मेन्यू लगा होना इज़ वेरी कॉमन. वैसे भी बाहर लिखे रहता है कि पर पर्सन व्हाट इज़ द चार्ज, बट यू ऑल्सो गेट लाइक अ मेन्यू आउटसाइड सो यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू ईट देयर. So I went to this place called Rishi Indian Aroma, which was recommended by a lot of our friends. It serves Indian food and basically आपको सब कुछ मिलता है. But I ordered dosa. काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने साउथ इंडियन लंदन में नहीं खाया है, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ट्राई. इट इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इंडियन फूड आई हैड सो फार इन यूके. So then we left for the airport. Hope you liked this video. Do like, share and subscribe if you like my content. And thank you so much for watching.